अस्सलाम वालेकुम एवरीवन आप लोग तो रोज़ ही ऑलमोस्ट देखते होंगे मैं किस तरीके से खुशी खुशी चाय का टेबल अपना सेट करती हूँ सोचा आज रिकॉर्ड कर लूँ सबसे पहले मैं एग सैंडविच बना रही थी तीन अंडे बॉईल होने रख दिए थे साथ ही साथ सोचा कुछ फ्रेंच फ्राइज सर्व करूँ उसके लिए मैंने आलू काटना शुरू कर दिए थे इसकी ऐसे कोई रेसिपी नहीं है बस बहुत थिनली स्लाइस किया नमक वाले पानी में डिप करके रख दिया था और फ्राई किया था बस और तो कुछ भी नहीं करना है और मैंने कुछ समोसे लिए हुए थे ये कोई यूनाइटेड किंग नहीं नहीं निम्को किंग से लिए हुए थे वो भी फ्राई करूँगी मैं साथ ही यहाँ पे चाय तैयार हो रही है तेल गर्म हो रहा है परेशान नहीं हो तेल पुराना नहीं अभी मैंने कुछ फ्राई किया था और अंडे बॉयल हो रहे थे समोसे फ्राई होने रख दिए चाय का रंग आने तक पता है ना ये करते रहना है वरना सारी मेहनत ज़ाए हो जाती है समोसे भी फ्राई हो गए मेरे अब हम आते हैं एग सैंडविच की रेसिपी पे अच्छे से अंडे बॉईल करने हैं आपको हार्ड बॉईल टेन मिनट्स एग्जैक्ट मैंने खोलते हुए पानी में इनको बॉईल होने रख दिया था अब आप चॉप कर लें मेक श्योर sure आप जिस पे भी कट कर रहे हो या चॉप कर रहे हो आपका कटिंग बोर्ड अच्छे से साफ हो मैंने अच्छे से धो लिया था इसको अच्छी चॉपिंग हो गई है इसकी इसमें तीन चीज़ें जाती हैं सही है नमक काली मिर्च और म्योनीस दैट्स अबाउट इट मैं कभी कभार हॉट सॉस डालती थी ये बचपन वाले सैंडविचेस है जो अम्मा हमारी स्कूल में देती थी फिर मैंने अपने बहन भाइयों को भी अक्सर बहुत बहुत खिलाया हुआ है थोड़ी सी सजाने की कोशिश कर रही हूँ क्रिएटिव होने की आपको नहीं करना है आप नहीं कीजिएगा टमाटर कोई भी नहीं खाता मेरे घर में आपको डालने हो आप डाल सकते हो लेकिन सच कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इसको जितना सिंपल बनाओ ये उतना फ्लेवरफुल बनता है खीरे भी हम लोग नहीं डालते हैं ये सिर्फ मैंने शोखियाँ मारने के लिए <laughs> कट दिया था लेकिन बहुत अच्छा लगा था फ्लेवर यार ये बहुत अच्छे बनते हैं जितने सिंपल रखोगे उतना मज़ा आएगा कट करो टोस्ट वोस्ट करना है करो उसकी भी ज़रूरत नहीं है सर्व करने के लिए मैंने एक प्लेटर लिया था उसमें सैंडविचेस रखे और उसके बाद फ्राइज़ रखे नमक काली मिर्च मैंने फ्राइज़ पे डाल दिया है ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए आप चाहे आप रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं उससे भी अच्छा लगता है चाय बहुत उदम बनी थी ये ऊपर लाइट्स इतनी है। अगर दिख रही होंगी तो उसी वजह से ये अजीब सा ही कलर आ रहा है लेकिन चाय का आपको पता है मैं कलर कैसा लेकर आती हूँ <laughs> सर्विंग स्टार्ट कर दी थी जो समोसे बनाए थे वो भी सर्व कर दिए थे मैंने सिर्फ फ्राई किए थे और मेरे पास कुछ तली हुई मिर्चें थी और फाफड़े पता नहीं आप लोगों को पता होगा कि नहीं ये एक अच्छी गुजराती डिश है ये भी मैं बाहर से ही लेकर आई हुई थी गार्डन से कहीं से कराची से ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये एक्सनविचेज और मुझे बताइएगा कैसे बने आई वेट फॉर योर फीडबैक अल्लाह हाफ़िज